देश विदेश में कहीं भी घूम जाओ आप, लेकिन ऐसा लोकेशन और ऐसा व्यू बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल आपको मिलने वाला नहीं जैसे हमारे पहाड़ों में मिलता है। Hey guys, good morning, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, काफी टाइम बाद आज एक नए ब्लॉग अपलोड होने वाला है क्योंकि बीच में इतना बिजी शेड्यूल हो गया था। जैसे ही फीड का काम हमारा खत्म होता है तो उसके बाद हमारा स्टूडियो वर्क शुरू हो जाता है। स्टूडियो वर्क में मीन्स जो हमारे फोटोग्राफर जितने भी फोटोग्राफर हैं उनके सारे एल्बम डिजाइनिंग और मिक्सिंग का सारा काम स्टूडियो में होता है। तो गाइज, बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी फिर भी कोशिश रहती है कि बीच बीच में आप लोगों के बीच मिले। हम स्टूडियो में लगे हैं फिलहाल आजकल 4 लोग और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडियो में पहुंच जाता हूं और बाकी जे जे अम्मू और तोपाल जी का आना बाकी रह जाता है। उनका टाइम 7-8 से 9-10 बजे तक होता है। बाकी बात करें मौसम की, आज तो मतलब 2-3 दिन से लगातार शाम के टाइम बारिश हो रही, तो बड़ा बिंदास मौसम हो रखा है और काम करने का अलग ही मज़ा आ रहा है आजकल। तो फिर करते हैं दिन की शुरुआत CS फोटोशॉप CS3 से। सो गाइज, एक बार करते हैं अपना स्टूडियो वर्क स्टार्ट और मिलते हैं आपको बीच बीच में। दिन की पहली फोटो स्टूडियो में एडिटिंग होगी मंगल स्नान की फोटो से, क्योंकि जो एल्बम कल मैंने आधा छोड़ी थी तो इस एल्बम को यहाँ से आगे कंटिन्यू कर। तोपाल जी भी शॉप पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे कार्य प्रोग्रेस पे चल रहा है। तोपाल जी का धीरे धीरे हाथ सेट होने लग गया। तो गाइज, फिलहाल आउटडोर अभी आ रखा हूँ मैं। यहाँ होने वाला है एक बच्चे का नामकरण संस्कार और कुछ एक दो हल्के फुल्के शॉर्ट्स दिखाते हैं आपको और फिर मिलते हैं आगे। अगर यहाँ से कर्णप्रयाग की व्यू की बात करें तो बहुत प्यारा दिख रहा है और मौसम 2-3 दिन से बारिश लगी है तो बड़ा मस्त हो रखा है। बादल भी छा रखे हैं ऊपर और धीरे धीरे हरा भरा देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो जो भी प्रोग्राम था वो तो हो चुका है और बाकी का प्रोग्राम होगा लॉज में, जेके लक्ष्मी लॉज में कर्णप्रयाग। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं जेके लक्ष्मी लॉज में और यहाँ होगा खाने पीने का प्रोग्राम। मैं बिन बुलाए बराती भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अम्मू और तोपाल जी। तो सारा प्रोग्राम हो चुका है कंप्लीट और अब निकलते हैं हम यहाँ से अपने स्टूडियो में और सीधे मिलते हैं अपने स्टूडियो में। तो फिलहाल एक बार पुनः हम स्टूडियो में पहुँच चुके हैं और स्टूडियो में लगे हैं अपने तोपाल जी और अम्मू भाई और हम भी कर लेते हैं कुछ काम अपना स्टूडियो वर्क का और फिर मिलते हैं आपको बीच बीच में। तो गाइज, अभी फिलहाल बज रहे हैं शाम के 4:30 और अचानक घूमने का प्रोग्राम बन गया तो बताते हैं आपको। पहले नहीं बताना पड़ेगा कि कहाँ घूमने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ जाएंगे और सीधे डायरेक्ट आपको मिलते हैं लोकेशन पर। बर्थडे बॉय हमारा कैलाश भाई आ चुका है। तो गाइज, फाइनली जहां हमने जाना था वहां हम पहुंच चुके हैं और यहां का सीन होने वाला है, यहां है बर्थडे और बर्थडे एंजॉय करने वाले हम और बर्थडे बॉय है हमारा कैलाश भाई। कैलाश भाई, जन्मदिन मुबारक। थैंक यू विजय भाई। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। रोड से हम जाएंगे थोड़ा ऊपर और यहाँ बैठने के लिए बिल्कुल मस्त और बिंदास जगह है और यहाँ काटने वाले हम कैलाश भाई के लिए केक और कैलाश भाई काटेंगे यहाँ केक। हैप्पी बर्थडे कैलाश भाई। केक खुल चुका है और पूरा सामान आ चुका है हमारा, जैसे मतलब केक हो गया, नमकीन हो गया और चाउमीन मोमो सारा आ रखा है। यहाँ होने वाला है बर्थडे सेलिब्रेट और मस्त होके काटते हैं केक। कुरकुरा और नमकीन छूट गया, यहाँ हो गया बिल्कुल पंगा शुरू। खाली कपड़ा पर बिल्कुल 50 थी मुख बलवण भली के पे वन के लगे दर्द से क्या प्यार में लगे डाड़ी बना लो होती यार खाली यार मुख बना लो बनी। अरे खा ले ना, जेल फोटो खींचू खींच ले। हैप्पी बर्थडे यार भाई। हैप्पी बर्थडे कैलाश भाई। मुद्दा कर ले नाल को रे भाई, वो कपड़ों पे लगा ले।
क्या करने केक कट चुका है और कैलाश भाई बिल्कुल केक से होश हो गए मस्त देश विदेश में कहीं भी घूम जाओ आप, लेकिन ऐसा लोकेशन और ऐसा व्यू बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल आपको मिलने वाला नहीं, जैसे हमारे पहाड़ों में चारों ओर से जंगल और बीच में थोड़ा सा बैठने की जगह मिल रखी है। तो यहीं पे कैलाश भाई का बर्थडे हुआ सेलिब्रेट और अब कैलाश भाई धो रहे हैं अपना मुँह क्योंकि केक कुछ ज़्यादा ही लग गया था मुँह पे। और आज पहली बार बिल्कुल बिंदास वाली पार्टी हो रही है जिसमें बना है चाउमीन मोमो और कोल्ड ड्रिंक लेके आ रखे हैं और चाउमीन बिल्कुल खाई जा रही है यहाँ पे भात की तरह। फूड ब्लॉगिंग वाला मजा आ रहा भाई जी, बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा, बिल्कुल मजा आ रहा भाई। कैलाश भाई, धीरू भाई, हैप्पी बर्थडे है एक बार और। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। सागर भाई, मजा आ रहा है भाई जी, बंटा हैं कि कैलाश भाई हमको ऐसे पार्टी देता रहे अग्निवीर अग्निवीर के भाई साहब डेली बर्थडे आते रहे, डेली बर्थडे मैं तो बोले एक एक करके सबका बर्थडे आते रहे यहाँ। फिलहाल तो हमने चाउमीन मोमो मस्त होके खा लिया और आज थोड़ा टाइम मिला फ्री होने का, शॉप से थोड़ा आउटडोर निकले हम, तो आज पूरा डे इंजॉय करने का है और अब भी जा रखो मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। तो अब चलते हैं गदेरे में पानी पीने और देखते हैं अगर पानी होगा गदेरे में तो पीते हैं और नहीं तो निकलते हैं यहाँ से कर्ण प्रयाग। गदेरा तो अभी बिल्कुल सूखा पड़ा है क्योंकि अभी जो बरसात लगता है पहाड़ों में ढंग का बरसात लगानी, क्योंकि जब बरसात लगता है तो हर जगह पानी निकल आता है पहाड़ों में और अभी तो फिलहाल गदेरे सूखे पड़े हैं यहाँ के। और शाम के बज चुके हैं 5 और हमारा चाउमीन मोमो पूरा खत्म हो चुका है और अब सीधे निकलने हमें कर्णप्रयाग। तो गाइज इन लोगों ने केक से बना दिया पूरा लाल पीला बना दिया केक से आगे पीछे तक। और गाइज आज का ब्लॉग फुल मौज मस्ती के साथ करते हैं एंड। तो गाइज फिलहाल हम अपने स्टूडियो पे पहुंच चुके हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।